सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम इंडिया के बॉर्डर पे हैं, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे रुपेडिया में, और ये है नेशनल हाईवे 28C। आपको ये सामने बोर्ड नजर आ रहा होगा, नेशनल हाईवे 28C नेपाल सीमा, इंडो नेपाल सीमा बॉर्डर जो है 1 किलोमीटर है, नेपालगंज यहाँ से 5 किलोमीटर है और कोहलपुर यहाँ से 24 किलोमीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पहुँचते हैं नेपाल तक, दिखाते हैं आपको वहाँ के भी कुछ नज़ारे इस नए दिन में, इस नए एरिए के साथ। नेपालगंज का बाजार, छोटा सा एक बाजार दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हम आ गए नेपाल के बाजार में, मार्केट के अंदर। और ये है पूरा मार्केट नेपाल का, हम नेपाल के अंदर हैं, आपको मार्केट दिख जाएगा। ये लोकल मार्केट है, सदर लाइन बोलते हैं इसको। क्योंकि आज बारिश हो रही है तो हम बाहर पैदल नहीं घूम पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से ही आपको दिखा पाए। ये रास्ता अंदर गया हुआ है, बर्तन का मार्केट और बाकी मार्केट सब एक ही जगह बना रखा है इन्होंने। छोटा सा ये सारा कपड़े का मार्केट है इस तरफ, इससे पहले ज्वेलरी का मार्केट था। ये आ गया है न्यू रोड नेपालगंज। और इधर पूरा कपड़े का मार्केट, हमारी कोशिश है कि हम आपको जितनी डिटेल मिल सके वो डिटेल आपको दिखा पाए यहाँ की। बारिश लगातार हो रही है यहाँ पे, उसी बारिश में हम कोशिश कर रहे हैं आपको रिकॉर्ड करके ये दिखाने की। ये पूरा मार्केट यहाँ बना हुआ है, बाइक के सड़क पर ही खड़ी हुई है यहाँ पे भी, इंडिया के तरीके से। यह है होटल पारविस, यहाँ से हम घूम रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी डिटेल यहाँ की दिखा पाए, कि अगर आप यहाँ आए तो लोकल मार्केट की तरह ही, इंडिया की तरह सारा और सारे इंडियन से यहाँ दिखकर यहाँ पे शॉप नहीं की है, काफी इंडियन मटेरियल ही ला करके वो यहाँ पे बेचते हैं। क्योंकि हम रिक्शे से जा रहे हैं अंदर, क्योंकि हमने गाड़ी अपनी यहाँ नहीं लाई, गाड़ी हमारी बॉर्डर पे ही खड़ी हुई है, तो बॉर्डर पे गाड़ी खड़ी करके हम यहाँ अंदर आए हैं ई रिक्शे से। यहाँ ई रिक्शे की फैसिलिटी है, आप इंडियन करेंसी में 30 रुपए और नेपाली में 40 रुपए दे के सिंगल शेयरिंग ई रिक्शे से आप यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे ही छोटा मार्केट है यहाँ पे, कुछ खास स्पेशल आपको नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपने यहाँ इंडिया में अवेलेबल है, जो भी चीज़ें आप यहाँ से लेते हैं वो सारी चीज़ें आपको इंडिया में ऑलरेडी मिल जाएगी। देखिए डोसा मिल रहा है यहाँ पे, और ई रिक्शा यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में चल रहा है, काफ़ी ई रिक्शा यहाँ पे हैं।
पूरा हिल। और ये हम आ गए ज्वेलरी मार्केट में, देखिए ज्वेलरी कैसे लगी हुई है, शाइनिंग कर रही है पूरी ज्वेलरी। ये है ज्वेलरी मार्केट यहाँ का, साथ में कपड़े का मार्केट भी लगा हुआ है। और हिंदी और नेपाली में लिखा हुआ है, मैक्सिमम हिंदी में ही लिखा हुआ है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम सोनौली के अलावा दूसरे रोड से भी, रुपेडिया से होकर के भी हम अंदर आए और अंदर आकर के आपको दिखाएं। ये बीच का मार्केट का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये बीच में एक पार्टीशन बना हुआ है जहां से हम लोग क्रॉस करके जाने और आने का रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ से हम निकल करके मेन रोड पर चले जा रहे हैं। ये पूरा मार्केट क्रॉस करते हुए हम यहाँ से वापस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये ठीक ठाक मार्केट है जहाँ पे इजीली सारी चीजें अवेलेबल है, जनरल स्टोर से लेकर के नॉर्मल घर के फिनिशिंग के सामान से लेकर के सारी चीजें अवेलेबल है। काफी मिलती जुलती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी और नेपाली काफी सिमिलर है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा फर्क जरूर हो सकता है, लिकर शॉप से लेकर के सब कुछ एक ही जगह पे बना हुआ है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये है दूसरे साइड का एरिया, ये भी पूरा छोटा सा मार्केट बना हुआ है। आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी और हालत वैसी है यहाँ पे भी इंडिया के तरीके से, बट ये है थोड़ा सिस्टमेटिक है, सड़कों पे गाड़ियां नहीं खड़ी है, बीच में रुकी नहीं है, साइड में खड़ी हुई है। सारी इंडियन गाड़ियां नेपाली नंबर प्लेट के साथ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और ये यहाँ का हाईकोर्ट है, वहां के जिला अदालत, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नेपालगंज। चार वाहिनी चौक ये एरिया है। पूरा वैसे ही मार्केट जैसे इंडिया में अवेलेबल है, सारी चीजें वैसे ही यहाँ पे दी हुई है। गाड़ियां भी सारी इंडियंस हैं, बस नंबर चेंज हो गया है। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, सेम कंडीशन है रोड की, कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। स्कूल्स वगैरह भी यहाँ पे काफी हैं जो नेपाली बोर्ड को प्रेफर करते हैं। इतना हिलते हुए जा रहे हैं, रोड इतनी खराब है कि आवाज भी शायद बहुत क्लियरली आपको समझ में ना आए। और ये नई रोड एक बन गई है, पुरानी रोड से हम वापस आए हैं, नई रोड जाने के लिए बनी हुई है, नई रोड से वापस जा रहे हैं, लेकिन रोड की कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, गंदगी और बाकी चीजें एज इट इज है यहाँ पे भी, तो चेंजेस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये हमारी कोशिश थी कि हम आपको यहाँ की डिटेल भी दिखाएं। सेम ये कंडीशन है, इंडियन गांव की तरीके से है ये नेपालगंज।
आप पूरा पूरा इंडिया की तरह ही इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये हम बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं और ये पूरा खेत का एरिया है और ये है पेट्रोल पंप यहाँ का, बागेश्वरी ऑयल स्टोर। इस तरीके से यहाँ पेट्रोल पंप बना हुआ है। ये नेपाल बॉर्डर कस्टम का ऑफिस है। लिखा हुआ है यहाँ पे नेपालगंज भंसार कार्यालय वहाँ के कस्टम ऑफिस है यहाँ का। ये बॉर्डर यहाँ से अंदर घुस रहे हैं, चेकिंग चल रही है। ट्रक वगैरह यहाँ पे आते हैं, भंसार पेमेंट करते हैं, तब नेपाल में घुसते हैं। नेपालगंज का जो कस्टम ऑफिस है नेपाल का, वो है यहाँ पे ये। और बस हम, ये है इमिग्रेशन ऑफिस, आप देख सकते हैं उसी कंडीशन इमिग्रेशन ऑफिस की। बीएसएफ का ऑफिस है यहाँ पे, ये देखिए ये लिखा हुआ है इलाका प्रहरी कार्यालय। हम ये पहुंच गए बॉर्डर पे, इलाका प्रहरी कार्यालय। और ये हम पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, सामने आपको बॉर्डर नजर आएगा। यहाँ से लोग पैदल बॉर्डर पे गाड़ी छोड़ करके दूसरी गाड़ी से ई रिक्शा से इस तरफ आते हैं। देखिए बॉर्डर पे भी दुकानें इन्होंने बना दी, छोटी छोटी दुकानें इस तरीके से। ये आ गए बॉर्डर पे, चलो ये है। और ये है बॉर्डर, यहाँ से गाड़ियां जाती और आती हुई। ये है हमारा बॉर्डर इंडिया का सिक्योरिटी फोर्स के साथ में। और पीछे यहाँ से जाने के लिए रास्ता बना हुआ है जहाँ पे चेकिंग होती है। ये देखिए यहाँ पे चेकिंग होती है, आदर्श थाना कोतवाली रुपेडिया। ये रुपेडिया का पुलिस चौकी और ये है इमिग्रेशन ऑफिस इंडिया का, जहाँ पे गाड़ियों का इमिग्रेशन होता है। ट्रक्स वगैरह यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं जा रही हैं, क्योंकि पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पे एक ही साइड से। तो यहाँ से हम रिक्शे से वापस जा रहे हैं और बारिश में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब हम जा रहे हैं रिक्शे से अपनी गाड़ी तक और गाड़ी से हम वापस निकलेंगे। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई और जानकारी चाहिए कि आप कैसे इस बॉर्डर से जा सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी कोशिश थी कि आपको बाहर जाकर के बॉर्डर से डिटेल दिखाने की। तो आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके लव और सपोर्ट के लिए, आपके इंकरेजमेंट के लिए। मिलते हैं एक नए रोड पे, एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। Till then, thank you so much. Have a wonderful day, everyone. Thank you.